हे गाइस, तो क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे। तो ये रही अपनी MG एस्टर जो मैंने एक महीने पहले ली है। सबको पता ही होगा, जो जो मेरे साथ ऐड हैं उनको तो पता होगा कि ये रही अपनी MG एस्टर। और आज इसका मैं ना आपको रिव्यू देने वाला हूँ एक मंथ के बाद कि कैसी है गाड़ी, कैसी नहीं, और क्यों मैंने ये ली, क्रेटा क्यों नहीं ली, सेल्टोस क्यों नहीं ली। हालाँकि वो भी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं ली वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। पहले आपको उसका मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पीछे से आप प्रोफाइल देखो, आप वो रहा अपना चैनल नेम राशिद स्टाइलिश ब्लॉग, और ये कुछ साइड का इसका व्यू, और उधर से दिखाता हूँ आपको। देखो आप, इधर से देखो आप क्या गाड़ी है ना। और इस ये है हमारा इसका टॉप मॉडल शार्प। और मैंने शार्प क्यों लिया, स्टाइल और स्मार्ट क्यों नहीं लिए, सब कुछ दिखा बताऊँगा मैं आपको। पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका टायर, ये टायर है इसका, अलॉय व्हील है और चारों डिस्क ब्रेक हैं इसके अंदर, देख सकते हो आप पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और टायर है इसका 215/55/17, और आगे वाला टायर देख लो, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, ये भी सारो टायर और ये अलॉय व्हील। अलॉय व्हील देखो कितने गजब है यार। और ये रही कुछ इसकी लुक, आगे से कुछ ऐसे दिखती है। सबसे बढ़िया इसका यही है, जो भी है सबसे बेस्ट इसका मुझे यही लगता है पार्ट, जो इसके लुक है यार। लुक देखो क्या गजब है इसकी यार लुक। प्रोफाइल को साइड प्रोफाइल ऐसा है कुछ, बहुत गजब लगती है यार गाड़ी, देखो आप। आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसकी मैं, ये ना क्रेटा से कुछ MM बड़ी है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कितनी MM बड़ी है, लेकिन थोड़े से MM बड़ी है। और इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको, ये रहा इसका बूट स्पेस, ये देखो आप, जो कंपनी क्लेम करती है 488 लीटर का बूट स्पेस है, आई थिंक इतना बूट स्पेस नहीं होगा। और ये रहा इसका टायर, और ये भी टायर ये 60 का है, 215/60/16। तो यार ये कंपनी का ना थोड़ा ड्रॉबैक है, दूसरा टायर जो हमें मिलता है ना स्टेपनी का टायर, वो 17 का नहीं दिया इन्होंने। ये गाड़ी ना फीचर लोडेड गाड़ी है, फीचर लोडेड, इसमें मैं कह रहा हूँ सभी फीचर हैं यार, हर एक फीचर है जो हमें क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलते। और मेरा मेन कारण यही है, क्रेटा और सेल्टोस का सबसे बड़ी ड्रॉबैक उसका ये है कि उसमें एक तो ना बुकिंग बहुत ज़्यादा है, एक साल की बुकिंग है यार उसमें क्रेटा में, और सेल्टोस का 5-6 महीने का। और मुझे गाड़ी चाहिए थी जल्दी, तो पता ही है आपको कि इतना सब्र तो होता नहीं है, किसी किसी से हो जाता है लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी, और गाड़ी भी मुझे खूबसूरत चाहिए थी, क्योंकि क्रेटा ना एक आम सी कर दी यार। उसका में काफ़ी फ़र्क है यार, इसका लो मॉडल और टॉप मॉडल में बहुत फ़र्क है। एक तो लो मॉडल में जो इसका स्टाइल वेरिएंट है, तो उसमें ना एक अलॉय व्हील नहीं आते, और 360 कैमरा नहीं आता उसमें, ये देखो आप लगा हुआ है, ये देखो आप। और उसमें एक उसमें LED लाइटें नहीं आती पीछे, और जो आगे प्रोजेक्टर है वो भी वाइट नहीं आते, वाइट लाइट है ना प्रोजेक्टर की, तो वो भी नहीं आती, ये देख सकते हो आप। और आगे से लुक देखो इसकी यार, क्या लुक है। और इसमें एक काफ़ी चीज़ें हैं जो क्रेटा में नहीं है इसमें, जो इसमें है इसमें नहीं है क्रेटा में है, जैसे कि मैं अंदर पर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। इसका सीट एडजस्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे इसको देखो ऐसे आगे पीछे कर लो, ये देखो जा रही है आगे, ये देखो पीछे को आगे को जा रही है, ये इसका ये देखो आगे को हो रहा है, ये इससे पीछे को, ये देखो इसका अंदर से कुछ कैबिन इस तरीके का है, पूरा लग्जरी है, ये लेदर है, और ये प्लास्टिक की यार क्वालिटी एक नंबर। और ये देखो अंदर बैठता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से ना, आपको कैसा लगेगा अंदर से, ऐसा लगेगा जैसे लग्जरी गाड़ी में कोई बैठे हैं, BMW या ऑडी वगैरह में। ये सब सॉफ्ट टच है, ये देखो आप, तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो सबसे पहली बात इसमें, टुडेस वेदर इज हेजी सनशाइन 19.4 डिग्री इन फॉरहाइट 338। सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगती है सेगमेंट में कि इसमें ना, पहले इसका रेडियो बंद कर लूं, इसमें ना एक चीज ये हो जाती है कि रेडियो चलने लग जाता है। सबसे बढ़िया बात इसमें पता है क्या लगती है मुझे कि ये देखो इसमें ना जो
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा फुल डिजिटल आता है। देखो आप, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है क्या एवरेज है, और इसके मैं फंक्शन आपको चेंज करके दिखाता हूँ क्या। ये देखो, ये हमारी कितनी चल सकी, टायर प्रेशर, बैटरी कितनी है इसके अंदर, और ये गाड़ी की लाइट वगैरह ऑन है, ये करंट जर्नी, और ये पुश बटन स्टार्ट है, और आगे से कुछ ऐसे, ये रहा इसके बल्ब जो फुल एलईडी है, और ये देख सकते हो आप। और इसमें एक और चीज़ है, ये रहे इसके मिरर, वैनिटी मिरर, उधर भी है को पैसेंजर की साइड, ये देखो, तो ये भी है। और इसमें एक सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इसमें ये है एक रोबोट जो क्रेटा और सेल्टोस में हमें नहीं मिलता, तो इसके भी फंक्शन अलग हैं। ये 5-7 चीज़ें हैं जो बोल के मतलब उसको करना नहीं पड़ता, इसको बोल दो, कमांड दे दो इसको, तो वो ये चीज़ कर देता है। जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, ओपन द सनरूफ। ये देखो इसका ये गजब का फीचर है, ये देखो है ना गजब का फीचर, ये क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलता हमें। ये रहा इसका सनरूफ, इसका व्यू कुछ ऐसे है आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहीं पे आया हुआ हूँ खास तौर पे इसकी वीडियो बनाने, अभी इसको क्लोज भी करते हैं। हेलो एस्टर, यस, क्लोज द सनरूफ। ये देखो इसका, इसको कमांड दे दो, जैसे कमांड देते हैं कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसमें और क्या। ये रहा इसका होम स्क्रीन, ये वॉल्यूम अप या डाउन, ये विंडशील्ड के लिए, ये एसी, ये सब ऑटोमेटिक एसी है इसके अंदर, 5 मैनुअल गियर है इसमें। ये रहा इसका स्पेस, इसमें मैंने परफ्यूम वगैरह रखा हुआ है। ये इसका आर्मरेस्ट, ये इसका आरसी वगैरह रखने के लिए, और बाकी सारे फंक्शन है इसमें। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इसके एसी के विंड देखो कैसे हैं, जैसे मर्सिडीज़ में नहीं होते, ये देखो फुल ना ऐसे होते हैं। और इसका डोर पैनल देखो आप, यहाँ से लॉक अनलॉक, और ये रहा इसके विंडो अप डाउन के, और ये साइड मिरर के, इसको आप इधर उधर करना हो, और 360 कैमरा, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप 360 कैमरा इसका, इसको जैसे भी आप करोगे ना, ये देखो उधर का ही व्यू दिखाने लग जाएगा, ये देखो, और 3D भी है इसमें। ये देखो हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, इस टाइम क्या है, इसके आजू बाजू सब कुछ दिखाता है ये। तो काफ़ी गजब का फीचर है इसमें यार, जो ये हमें क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलता। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और पीछे दिखाता हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। तो अभी हम पीछे आ चुके हैं और दिखाता हूँ आपको मैं पीछे से। एक तो सबसे पहले मैं पहले बैठ जाऊँ, डोर लगा लिया मैंने। ये देखो इसका एसी के रियर एसी इसमें आ गया, और इसमें चार्जिंग के लिए सॉकेट दिए हुए हैं, और काफ़ी कम्फर्ट है यार इसकी सीट, और सीट का लेदर चढ़ी हुई है इसमें, और दूसरा ये ग्लास होल्डर अगर दो पैसेंजर जा रहे हैं, और ये बंद भी होती है, और सनरूफ, और आगे से काफ़ी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और एक चीज़ और यार इसमें ना दिखाता हूँ आपको, आप इसकी सनरूफ को यहाँ से भी ऑन ऑफ मतलब अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप इसको बटन दबाओगे तो ये खुल जाएगी, ये देखो, और ये वाला बटन दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी, ये देखो बंद हो गई। सनरूफ भी यहाँ से आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। और अब आते हैं मेन रीज़न पे कि मैंने क्यों नहीं ली क्रेटा और सेल्टोस। सबसे पहली बात, जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है, जिस प्राइस पे ये फीचर लोडेड गाड़ी है, उतने फीचर हमें क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलते। दिखाता हूँ आपको, देखो सबसे पहला फीचर उसमें नहीं मिलता, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता उसमें। ये ऑन कर देता हूँ, ये देखो, जो कि ना सेल्टोस में, उसके बहुत ऊपर वाले मॉडल में है, इसका टॉप मॉडल में ये तकरीबन ऑन रोड पड़ जाती है 16.5 लाख की, और 16.5 लाख में क्रेटा और सेल्टोस में ये चीज़ें नहीं मिलती। सबसे पहला डिफरेंस ये देख सकते हो आप। दूसरा डिफरेंस, हाँ आपको एक चीज़, दूसरा डिफरेंस ये है कि लेदर शीट है इसमें, उसमें फैब्रिक है। तीसरा, इसमें इंटरनेट इनसाइड है। चौथा, इसमें है सनरूफ है, उसमें 16.5 लाख में सनरूफ नहीं आता। और पांचवा है इसमें 360 कैमरा, उसमें नहीं आता ना सेल्टोस में ना क्रेटा में। और छठा है इसमें इसकी लुक, जो मुझे अट्रैक्टिव लगी थी। अभी 2023 हो गया है
तो मेरी अभी गाड़ी 470 किलोमीटर चल चुकी है और आफ्टर वन मंथ का इसका रिव्यू है। गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बोनट अच्छे से दिखता है, कॉर्निंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, और मैं कह रहा हूँ वेल गाड़ी है यार, वेल डन गाड़ी है। जिसको ना स्मूथ ड्राइविंग करनी है, ज़्यादा भगानी नहीं है, उसके लिए बेस्ट है यार ये प्रोडक्ट। तो बाकी और वीडियो बनाऊँगा मैं और अच्छे से इसका रिव्यू करूँगा, बाकी और तो क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ एक चीज़ और, इसमें मैंने क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिखाया, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे, और इसके लाइट और वाइपर वगैरह इधर से जलते हैं, वाइपर इसमें उल्टा है, और लाइट वगैरह इधर से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, इसमें ऑटोमेटिक लाइट है, अंधेरा होते ही लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। इसका यार मैं क्या बताऊँ आपको, इसके अंदर बैठ के जो फील आता है ना, वो मुझे क्रेटा और सेल्टोस में नहीं आता, क्योंकि मैंने वो भी जब मैं लेने गया था ना, तो मैंने वो भी टेस्ट ड्राइव करी थी, मतलब ना मुझे वो आम से, हाँ डीजल जिसने लेनी हो वो क्रेटा और सेल्टोस ले सकता है, उसके लिए डीजल बेस्ट है। तो मुझे तो पेट्रोल चाहिए था, क्योंकि डीजल मेरे पास है स्विफ्ट, तो मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे ज़्यादा रनिंग के लिए चाहिए नहीं थी, तो मैंने इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी लगा। तो बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही यार, बाकी आपके लिए और वीडियो बनाऊँगा इसकी, और जैसे जैसे चलाता रहूँगा वैसे वैसे इसकी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको दिखाऊँगा मैं। तो मिलता हूँ आपसे मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू सो मच।